हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का खुश आमदीद करती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है वो कौन से लेसन्स हैं, वो कौन से सीख है जो आप लोगों ने सीखी है इस 2023 में। मोर ओवर वॉट काइंड ऑफ सरप्राइजेज ये साल का अंत आप लोगों को देगा। आज हम बात कर रहे हैं 2023 की, जिसका अंत बहुत जल्दी आने वाला है। जून ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है एंड जुलाई स्टार्ट होगा, फिर अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और एंड हो जाएगा, है ना, लास्ट सिक्स मंथ्स। सो इन इस साल 2023 में कौन से लेसन्स आप लोगों ने लर्न किए एंड कौन सी चीज़ें या कौन से सरप्राइजेज ये ईयर एंड आपको देगा, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे होंगे। हर नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट? सो अब बारी आती है पाइल्स की। रीडिंग का टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दिया, पाइल्स तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी ही नहीं। पाइल्स मैं अब आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगी। सो आज मैं दो पाइल आप लोगों के लिए बना रही हूँ। पाइल नंबर वन, एंड पाइल नंबर टू। बॉटम ऑफ द डेक आप सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस है। लिसन डीपली अपने दिल की आवाज़ को। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल हमें बार बार किसी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है और हम क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर कलेक्टिव एडवाइस है कि अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने, ठीक है? अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने। जब भी आपका दिल आपको कुछ कहने की कोशिश करें, ज़रूर से उसको सुनने की कोशिश करें, ठीक है? कई बार हमारा दिल कहता है नहीं यार ये नहीं खाना, इससे तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अचानक से अरे यार खा लेते हैं ना, छोड़, और खा लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारा मन किसी भी नेगेटिव काम होने से पहले हमें रोकता ज़रूर है और यही आप सभी लोगों के लिए कलेक्टिव गाइडेंस है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनना स्टार्ट करें। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ी अजीब लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो दिस इज़ पाइल नंबर वन, दिस इज़ पाइल नंबर टू। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स रख देती हूँ ताकि आप लोग इसे और अच्छे से पिक कर सकें। पाइल नंबर वन वाला है हमारे पास रेड जैस्पर एंड पाइल नंबर टू है हमारे पास ब्लू एमेथिस्ट, ठीक है? सो गाइस ये है पाइल सिलेक्शन की टर्न। आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक करना है वन या टू, ठीक है? इंट्यूटिवली पिक करें वन या टू। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। होपफुली ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट ज़रूर होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद। आप सभी लोगों ने पिक किया है रेड जैस्पर को, रेड जैस्पर एंड आप लोगों के लिए है ये कार्ड्स। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। द गाइडेंस फॉर यू इज कम्युनिकेट क्लियरली, डू द वर्क। आप लोगों ने रेड जैस्पर को पिक किया है। आप लोगों का व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, महत्वाकांक्षी नहीं है आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि मुझे तो ये भी मिलना चाहिए, कि मुझे तो ये भी मिलना चाहिए, मेरी लाइफ में तो ये भी होना चाहिए, मेरी लाइफ में तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके मन में। इनफैक्ट आप लोगों के लिए महत्वाकांक्षी हो सकते हैं,
कि इस इंसान को ये भी मिलना चाहिए यार, ये तो ये भी डिज़र्व करता है यार, मेरी माँ के साथ ऐसा होना चाहिए यार, मेरे पापा को ये मिलना चाहिए यार, मेरे भाई के साथ ऐसा हो जाए, मेरी बहन की नौकरी लग जाए, ठीक है मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। आप हमेशा लोगों के लिए ज़्यादा दुआ मांगते हैं रेदर देन अपने लिए। आप अपने लिए हमेशा महत्व देते हैं काम को, पाइल नंबर वन पीपल, आप हमेशा काम के ऊपर बेस्ड अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मैं मुझे बैठे बिठाए कुछ भी मिल जाए, नो, इस एनर्जी में नहीं है आप लोग। आप हमेशा काम को महत्वता देते हैं, ठीक है, एंड लोगों के लिए प्रेयर्स करते हैं, लोगों के लिए हमेशा हर केओज में, हर नेगेटिविटी में खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। और इस ब्लेस्ड ऑनेस्ट नेचर की वजह से लोग आपको जानते हैं, या तो, या फिर मुझे यहाँ पे फीलिंग आती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं ना, कि आप जो भी मन में है सामने वाले को कह डालना, ठीक है, अपने मन में नहीं रखना है कुछ भी, सामने वाले को कह डालना, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है अपनी लाइफ को लेकर के, और आपको पता है चाहे जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ आ जाए, चाहे जितनी मर्ज़ी नेगेटिविटी आ जाए, आप कर ही लेंगे। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की फील हो रही है पाइल नंबर वन पीपल। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ और हम देखेंगे कि किस तरीके के लेसन्स आप लोगों ने इस साल सीखे हैं। एक कहते हैं ना, एक समरी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि किस तरीके के लेसन्स आप लोगों ने सीखे हैं, एंड उसके बिहाफ पे इस 2023 के एंड में डिवाइन आपको क्या देने वाली है, ठीक है, एज ए सरप्राइज। सो वी हैव स्टार। किसी ने मुझसे पूछा था, मैम आपका इतना गला खराब क्यों होता है? नज़र लग जाती है। नज़र नहीं लगती है, हो सकता है नज़र भी लगती हो, समटाइम्स इट हैपन्स, ठीक है, नज़र लग जाती है, एंड मैं थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हूँ अपने बारे में। थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हूँ खुद के लिए। फाइव ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्स। और कार्ड्स निकालेंगे। आप लोगों से ना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, पाइल नंबर वन पीपल, आप लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा, आप लोगों से इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता, चाहे फिर वो आपके साथ ही क्या वो किसी के भी साथ हो रहा हो, आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता। ये एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक माइंड गेम। To the sea, blessed, and the answer is there. Bottom of the deck, observer. Nice, 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 my angels, nice. And then we have Willing Release, The Grand Symphony, क्या बात है, and Ear Wide Open. Bottom of the deck, Imperfect Harmony. Okay, तो मुझे तो भाई समझ आ गई, ऊपर से लेके नीचे तक की गणित अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं ना ठीक से? अभी दिखेंगे, है ना? ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल जिन्होंने रेड जैस्पर को पिक किया था, इसको यहीं रख देती हूँ. सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 2023 में आपने कौन कौन से लेसन्स लर्न किए. मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि 2023 आप लोगों के लिए ईजी तो नहीं रहा है, एंड अभी और जितना भी रहा है, सी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब की एनर्जी है, ठीक है? ये 2023 आप लोगों के लिए ईजी तो नहीं रहा है, जैसे लोगों के लिए नॉर्मल से ईयर आते हैं ना, कि नॉर्मल सा साल आया, मेहनत करी, काम करा, इंजॉय करा, पार्टी करी और कुछ ना कुछ अपना क्रिएट किया और चला गया साल. ऐसा नहीं हुआ है आप लोगों के साथ. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ बर्डन, लॉट्स ऑफ मेहनत, और फिर उसका कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आप लोगों ने झेली है. किसी तरीके की लड़ाई, किसी तरीके के फ्रस्ट्रेशन भी आप लोगों ने झेली है. पाइल नंबर वन पीपल, आप लोगों के लिए ये साल इतना इजी और ऐसा सा नहीं रहा, ठीक है? आप लोगों ने इस साल बहुत ही अच्छे लेसन्स लर्न करे हैं. इस साल आपने लेसन लर्न करा है सबसे पहला पेशेंस का. पेशेंस आई एम सीइंग आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार विद दिस वर्ल्ड कार्ड बहुत बार आपके साथ सिनारियो ऐसा हुआ है पाइल नंबर वन पीपल कि कहीं ना कहीं बार 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 सेम साइकिल्स आपकी लाइफ में रिपीट हुई हैं, ठीक है? बार 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 आपको किसी ने डिमोटिवेट करने की कोशिश करी है, डिमोलराइज करने की कोशिश करी है, एंड आपने हमेशा सामने वाले को ऐसे हाथ झुका कर, ऐसे हाथ जोड़कर सर झुका के बोला कि चलो ठीक है, है ना? आप कहीं ना कहीं फॉल्ट में या कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस में या कहीं ना किसी सोरो या नेगेटिविटी में रहे हैं, जबकि आपको पता था कि आपकी गलती नहीं है. एंड सब पेशेंस का सबसे बड़ा लेसन मैंने इसलिए भी बोला है क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता. जिन लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव ड्रॉबैक होती है वो होती है कि वो लोग पेशेंस कभी भी क्रिएट कर ही नहीं पाते, एंड नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं, ठीक है? गिल्ट में रहते हैं, सोरो में रहते हैं. तो आप लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है इस साल पेशेंस. सेकेंड चीज़ आपने सीखा है अपने लिए स्टैंड लेना. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के लिए पास्ट बहुत बहुत समय से आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और आप ऐसे कहते थे चलो कोई बात नहीं, भगवान देख लेगा. भगवान हमेशा उन्हें ही देखते हैं गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्हें आप देखते हैं. क्योंकि क्या पता, भगवान खुद तो देखने आएंगे नहीं किसी को, ऑब्वियस सी बात है, तो वो किसी ना किसी तरीके का मीडिएटर या माध्यम ही भेजेंगे, क्या पता वो आप ही माध्यम है, ठीक है? फिर साफ बात है कि जो इंसान, वो कहावत भी है ना कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं लेता भगवान जी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते. आप लोगों ने इस साल सीखा है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया जाए, खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम दी ऑल नेगेटिव एंटिटीज़, ठीक है? तो गुस्से पे काबू करना, पेशेंस करना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये चीज़ें आप लोगों ने इस साल सीखी है एज़ पर दी लेसन्स. अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए कि कौन से खूबसूरत सरप्राइजेज इस साल के अंत तक आप लोगों को मिलने वाले हैं. देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रही है वट एवर द विश यू हैव. आप लोगों के लिए इमेजिन का ही कार्ड आ गया. अब मैं क्या ही बोलूँ, इमेजिन का कार्ड, कार्ड नंबर 20 जब भी रीडिंग में आता है, ये चीज़ साफ हो जाती है कि जो भी आपने सोचा हुआ है वो इस साल के अंत तक आप कंप्लीट कर लेंगे, आप उस चीज़ को पा लेंगे. जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के, इधर उधर कर कर आके, जैसे मर्जी तैसे, बट आप उस चीज़ को पा लेंगे. एंड इमेजिन का कार्ड हमेशा बताता है वट एवर द विश यू हैव, जो कि काफ़ी समय से एक स्टैटिक मोशन में थी, कि आगे नहीं बढ़ रही थी, पीछे नहीं जा रही थी, बस एकदम खड़ी थी, एकदम स्टक थी कहीं ना कहीं. वो चीज़ आपकी कंप्लीट होने वाली है जिसकी वजह से आप ब्लेस्ड फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे. वी हैव द कार्ड ऑफ 22, दैट मीन्स 4-4, यानी कि एंजल्स का नंबर. आपकी लाइफ में इस एंड 2023 तक कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से जो भी नेगेटिविटी हुई, जैसा भी जो भी मर्जी हुआ इस साल में, आप उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि भाई अंत भला तो सब भला. ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग आप
आपको बहुत पसंद करेंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और एक रेड कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए, रेड अलर्ट, और वो है ईयर वाइड ओपन। यानी कि आप लोगों ने अपने नाक का नाक एकदम खुले रखने हैं, आसपास आपको नेगेटिव और परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। तो कोई चुगलबाज, कोई नेगेटिव इंसान आपको दिखे तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लें। आई एम सीइंग आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एंड रिजल्ट या एंड सरप्राइज ऑफ दिस ईयर होगा किसी तरीके की किसी विश का कंप्लीट हो जाना, कंप्लीशन ऑफ एनी विश। सेकंड चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है, क्या सेकंड चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि आपके आसपास के जितने लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते थे, जो आपको नेगेटिव बोलते थे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। अब इस चीज़ के अंदर कुछ भी आ सकता, हो सकता आपका कोई रिजल्ट आ जाए जो कि पास है, ठीक है, या आपका कहीं अच्छा एडमिशन हो जाए, या क्योंकि पॉसिबिलिटी का कार्ड आया था, काम क्या ये रहा, पॉसिबिलिटी का कार्ड आया था आप लोगों के लिए, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो जो छितरे बंदर होते हैं, आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट कुछ छितरे बंदर नहीं होते हैं जो कि फालतू की बकवास करते हैं हमेशा, जिनको खुद को कुछ नहीं आता लेकिन वो लोगों की लाइफ में मीन मेक निकालते हैं। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि उन लोगों से निजात आपको मिल जाएगी, उन लोगों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये साल का एंड आप लोगों को स्टेबिलिटी, कामनेस, पेशेंस, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज, ब्लेस्ड फील कराने वाला है, एंड हर तरीके की सिचुएशन में आपको ऐसी आपकी कोई विश फुलफिल होगी जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जो है मुंह बन सकता है, ठीक है। बट मुंह बने तो बने, हमें क्या। और आप लोगों ने रेड जैस्पर को पिक किया था, मैं तभी समझ गई थी कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट हैं एंड आप अपनी लाइफ को सही दिशा में लेके चले ही जाएंगे। सो इस लाइफ के लेसन्स, इस ईयर के लेसन्स आप लोगों के लिए आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। मोर ओवर जो एंड रिजल्ट या एंड सरप्राइजेस आपको इस साल के अंत में मिलेंगे वो आपको हर जन्म में याद रहेंगे। 2023 फॉर द पाइल नंबर वन पीपल, ऐसा आप लोगों के लिए साबित होगा जब आप, जैसे कि नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी की जीत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन, जिन्होंने इस रेड जैस्पर को पिक किया था। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा बहुत सारा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 सारा वाला प्यार, लव यू ऑल आउट गाइस, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, खुशामदीद आप सभी लोगों का, वेलकम। तो आप लोगों ने पिक किया है एमेथिस्ट को। आप लोगों को पता है एमेथिस्ट एक ऐसा स्टोन है जो कि मेरी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टोन ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत ज़्यादा पावर देता है ना, फ्रीडम देता है कि मैं किसी भी तरीके का स्पेल कर सकती हूँ, किसी भी तरीके की हीलिंग कर सकती हूँ, इसको पहन के मैं किसी भी एरिया में जा सकती हूँ, और ये मुझे हर तरीके की नेगेटिविटी एंड परेशानी से बचाता है। दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोन ऑफ लक फॉर मी। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट हमेशा से मुझे इसलिए भी पसंद आया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत स्टोन है, एंड आपको इसको पहनने से पहले किसी तरीके के रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों ने एमेथिस्ट को पिक किया है। आप लोगों की जो एनर्जी मुझे लगती है वो लगती है काम, यानी कि शांति, सुकून को तरजीह देते हैं आप लोग, शांत रहना पसंद करते हैं। आपको फालतू की चिक चिक नहीं पसंद, ना ही आप लोगों को फालतू का चिक चिक आटा पसंद है। आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो, ठीक है। और आपको ना किसी से कुछ चाहिए, ना किसी को देने का कुछ मन करता है, कोई भी मेटलिस्टिक चीज़ें या फिर किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट, बिकॉज आप लोगों ने रियलिटी देखी अपनी लाइफ में लोगों की, एंड कहीं ना कहीं हो सकता पाइल नंबर टू पीपल के आप लोगों का ह्यूमैनिटी से दिल भर गया है। आप लोगों के लिए है यहाँ से इन कार्ड्स में
ईज एंड ग्रेस एंड हीलिंग एनर्जीज। तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता है वीडियो का टॉपिक। हम बात कर रहे हैं आज किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इस साल के लेसन्स की और एंडिंग सरप्राइजेस की, क्योंकि हर साल आपको आपके कर्मों के हिसाब से कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाता है, कुछ ना कुछ गुडनेस। फाइव ऑफ वॉन्स, आप लोग म्यूजिक लवर हैं क्या? मुझे बड़े अजीबोगरीब पॉप म्यूजिक्स जो है कानों में आ रहे हैं। अमूमन मैं रैपिंग और पॉप म्यूजिक सुनती नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा शास्त्रीय संगीत ज़्यादा पसंद है, या फिर नॉर्मल कैजुअल जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं वो। बट मेरे दिमाग में एक गाना बड़ा चल रहा है और मैं उसका नाम आप लोगों को नहीं बता सकती, वरना फालतू में कॉपीराइट की नेगेटिविटी आ जाएगी। बट स्टिल मेरे कानों में चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि शायद, क्योंकि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। वॉट अबाउट द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैं तो जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो जो ठेठ मारवाड़ी गाने नहीं होते हैं, मैं वो सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। आजकल वो गाना भी तो बड़ा बड़ा फेमस हो रखा है, परफ्यूम वाला, हे भगवान। अभी मेरे एक कज़न की शादी थी तो वहाँ पे भी ये गाना इतना चला इतना चला इतना चला। हालांकि मेरा बड़ा मन था डांस करने का इस गाने पे, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे स्टेप समझ नहीं आ रहे थे। और तो मैं तो ठेठ मारवाड़ी गाने सुन लेती हूँ, थोड़ा पॉप शॉप रैपिंग मेरे बस की बात नहीं लगती है मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं हो पाते हैं। व्हाट अबाउट द डेक कंपैरिजन, आप सभी लोगों के साथ मेरी एनर्जीज इतनी खुली हुई ना, मैं आप सभी लोगों के साथ हर तरीके की बात कर लेती हूँ। आप सभी मुझे मेरी फैमिली के मेम्बर्स नज़र आते हैं, जैसे मेरे सारे अच्छे रिलेटिव्स। वैसे तो अगर मैं बोलूँ मेरा कोई भी रिलेटिव अच्छा नहीं है, बट ऐसा लगता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट करूँगी तो कभी धोखा तो नहीं मिलेगा। दिस इज़ द रियलिटी। बियरिंग फ्रूट्स, बॉटम ऑफ द डेक ग्रैंड सिम्फनी अगेन। अगेन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि पाइल नंबर वन में भी ये कार्ड आया था। एंड द लास्ट डेक आप लोगों के लिए, हे भगवान, कमाल की बात है यार, शाबाश, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक सेरेंडिटी। भाई ये ना साल पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों के लिए, कहते हैं ना कि जस्टिस, आपको न्याय मिलने वाला है इस साल के अंत में। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आप लोगों को आज अच्छे से दिख रहे हैं, है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर दो, हाँ अभी ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से एमेथिस्ट को, एंड एमेथिस्ट को पिक किया है आप लोगों ने, तो अब देखते हैं एनर्जी। सबसे पहले मैं बात करूँगी इस साल की आप लोगों के लिए कैसी रही। इस साल आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जांचा है, परखा है। एक ऑब्जर्वर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लाइक आपने इस साल को ना बहुत करीब से महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है। इस साल आप लोगों ने ना अपने आसपास के लोगों को बहुत तमीज़ के साथ आजमा के देखा है कि कौन आपका कितना अपना है, कौन आपका कितना अपना नहीं है। इस साल बहुत सारी पास्ट की चीज़ें बदली तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि पास्ट की कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आई या क्या, लेकिन आप लोगों को एक क्लैरिटी, रियलिटी एंड सच का सामना ज़रूर हो गया। ये साल फॉर द पाइल नंबर टू पीपल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रहा है
आप लोगों ने इस साल सीखा है कि क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, क्या लोग आपके बारे में बोलते हैं, लोगों के दिमाग में आपके बारे में क्या एनर्जी है और वो कैसे क्या और आपके बारे में सोच सकते हैं। आई एम सीइंग इस साल या तो आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आया है या फिर हो सकता है एंड रिजल्ट में आने वाला है, एंड आपने इस साल बहुत ज़्यादा अपने अबंडेंस एंड करियर के ऊपर ही फोकस किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। एंड आपका आप लोगों ने इस साल क्या सीखा है वो मैं बताती हूँ। इस साल आपने अपने आप को हील करना सीखा है। पास्ट ट्रिगर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे थे। आउटसाइडर अवेयरनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है, टोटैलिटी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो आपकी यू नो लेग पुलिंग करते थे, नेगेटिव बोलते थे, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं फ्रॉम द लव लाइफ और फ्रॉम द मनी करियर एंड अबंडेंस एंड कैजुअल लाइफ, जिसकी वजह से आप अपने ही किसी तरीके की बाउंड्री में फंस गए थे। आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे थे। सेल्फ लव तो मानो ज़ीरो हो गया था और चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि इस साल आप लोगों ने सबसे बड़ा लेसन लर्न किया है और वो है हील करने का, दैट हाउ कैन वी हील आर सेल्फ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इसी साल से जाना है, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने इसी साल जो है मैनिफेस्ट करी है। इस साल आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने सबसे बड़ा लेसन लर्न किया है सेल्फ़ लव का, किस तरीके से सेल्फ़ लव किया जाता है, कितना ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपको इस साल एक तरीके की क्लैरिटी मिली है, चाहे फिर वो किसी ख़राब पर्सन से क्लैरिटी थी या आपके किसी लवर से क्लैरिटी थी या घर वालों से क्लैरिटी थी, किसी अहम मुद्दे पे आप लोगों को इस साल क्लैरिटी मिली है। दिस इज़ व्हाट द एनर्जी सेज। अब हम बात करते हैं आप लोगों की किस चीज़ की। अब हम बात करते हैं कि इस साल के अंत तक आप लोगों को कौन से अच्छे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस। मुझे यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है। अब कई लोग अबंडेंस को सिर्फ मनी से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि अबंडेंस का असली मतलब होता है आपकी लाइफ के जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे फिर वो मनी है चाहे वो लव है, उसके अंदर आप फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, कंप्लीट सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ये मतलब होता है अबंडेंस के कार्ड का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, इस साल के अंत तक आप लोग क्या महसूस करेंगे, आप लोग महसूस करेंगे फुलफिल्ड, कंप्लीट, ठीक है, सेटिस्फाइड हर चीज़ से, चाहे फिर वो मनी का इशू हो या कोई नेगेटिविटी हो, चाहे फिर वो लव का इशू हो या लव की कोई नेगेटिविटी हो, आप हर चीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आइसोलेट होकर के आप अपनी लाइफ को इंगेज कर रहे हैं गुड कर्मास में, गुड चीज़ों में, योगा, प्राणायाम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, टैरो, इन सब चीज़ों के अंदर 2023 के अंत तक आप लोगों का मन इतना बनेगा कि हो सकता है आप किसी तरीके का कोई कोर्स लर्न कर लें। कोर्स से याद आया, बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों को रेकी या फिर टैरो सिखाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि प्लीज़ सिखाइए सिखाइए, दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि अगस्त तक या फिर इस साल न्यू ईयर से हम लोग फॉर श्योर प्रिपरेशन करेंगे एंड सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ एज़ पर द सरप्राइजेस, एंड वो है कि आप 100% हील हो जाएंगे फ्रॉम ऑल द पास्ट ट्रिगर्स एंड द नेगेटिविटी, एंड आपकी कोई ऐसी विश कंप्लीट होगी जिसकी वजह से आपको जस्टिस फील होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन हमें छोड़ के चला जाता है इन आर लव लाइफ, एंड हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, और फिर आगे और हम भगवान को बोलते, भगवान ये तो मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं हम इस चीज़ को बखूबी समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हमारे साथ न्याय उस वक्त ही हो गया था। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इमेजिन का कार्ड है, कार्ड नंबर 20। आप लोगों से क्या ही छुपाना, आप लोगों की कोई भी बड़ी विश है जो कंप्लीट होने वाली है फुल इमोशनल एनर्जीज एंड फुल हैप्पी एनर्जीज के साथ। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ जस्टिस भी आप लोगों को मिलेगा। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला है या कोई नेगेटिविटी है तो वो ख़त्म होने वाली है। आप दुनिया को दिखा देंगे इस साल के अंत तक कि आप क्या चीज़ है। आप किसी से झुकने रुकने वालों में से नहीं है। कुछ लोगों का सेटलमेंट फॉरन भी हो सकता है विद दिस फीलिंग द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी रिलीज होगी और आप अपने जीवन के जो गुड फ्रूट्स हैं,
गुड थिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में तोड़ सकेंगे, बेयरिंग फ्रूट्स का कार्ड है, ठीक है, एकदम हील हो जाएंगे, पास्ट लाइफ के ट्रिगर से निकल जाएंगे, अपनी लाइफ के कुछ अच्छे जूसी फ्रूट्स का लुफ्त उठा रहे होंगे, ठीक है। आपकी कोई बड़ी विश है जो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी लाइफ में ट्रू लव के साथ ट्रू पार्टनरशिप आ जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट हो जाएंगे हर एरिया में, ठीक है। सो पाइल नंबर टू पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड ये एनर्जीज थी आप लोगों की। तो लेसन्स आपने इतने खूबसूरत लर्न करें, इतनी खूबसूरत चीज़ें एंड ऑफ दिस ईयर आपको मिलेंगी। बस आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, जो यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है जो भी नेगेटिव रियलिटी या बिलीफ सिस्टम या बिलीफ पैटर्न्स हैं हमारे मन में जो नेगेटिव हैं, उनका खात्मा करना। उनका खात्मा सिर्फ ग्राउंडिंग से हो सकता है। नाउ हाउ यू कैन डू ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग करने के लिए आप घास पर नंगे पैरों से चल सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ के खाना खा सकते हैं, कई बार ज़मीन पर बैठ के कोई भी काम कर सकते हैं, ज़मीन पर सो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी ऐसे ही रिलीज़ हो जाती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल। कैसी लगी आप लोगों को, कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। किसी भी तरीके की पर्सनल पी रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। खुद का ध्यान रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय।